जहाँ तक कल की बात है, आप लोगों का सवाल है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी को जो कंस्ट्रक्टिव जो काम किए हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किए जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, पहले जनादेश का अपमान किया, ये उनका कंस्ट्रक्टिव काम है। और जनादेश के अपमान करने के बाद और कल की जो प्रक्रिया रही है, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत भला हो सकता है, व्यक्तिगत भला हो सकता है, लेकिन बिहार के 12 करोड़ लोगों का भला नहीं होगा इससे। चुनाव के दौरान लोग आते हैं और जाते हैं, कोई भी ऐसा चुनाव ना हुआ हो आप बता दो जिसमें लोग आए हों और गए ना हों। ये तो चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में सरकार का, यही तो हम कह रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने में लग रहे हैं। और बिहार के लोग जो हैं मर रहे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, मजदूर जो है फिर पलायन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सब जितने मजदूर जो वापस आए उनको रोज़गार दो, बिहार सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही। वापस मजदूर जो है उनको ले जाया जा रहा है, बसेस आ रही हैं, चंडीगढ़ के आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लेकर के धोकर के ले जाया जा रहा है। तो देखिए, कुछ दिन पहले जदयू के हमारे MLC जो थे हमारे पाले में आए थे, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था।